नमस्कार, बिजनेस अड्डे की और एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस बिजनेस की जानकारी दे रहा हूँ, हम एक ही मशीन से लगभग 6 से 7 उद्योग अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसमें जैसे कि टोमेटो सॉस का बिजनेस है, अचार का बिजनेस है, शहद का बिजनेस है और गुलकंद का बिजनेस है, जैसे कि फेविकॉल का बिजनेस है। ऐसे अलग अलग प्रकार के उद्योग हम एक ही मशीन से शुरू कर सकते हैं। तो इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए मेरे साथ श्वेता जी है, जो कि खोडियार इंडस्ट्रीज से है। इस बिजनेस की जानकारी हमें वो देने वाली है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये जो 6 से 7 बिजनेस है इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बताइए मैडम, अभी जो ये मशीन दिख रही है, इस मशीन से हम कितने प्रकार के उद्योग शुरू कर सकते हैं? सर, इसमें हम अचार हुआ, शहद हुआ, फिर डिस्टेम्पर हुआ, टमाटो सॉस हुआ, जैसे अलग अलग प्रकार के उद्योग इसमें हम चालू कर सकते हैं। जैसे कि फिलिंग टाइप के उद्योग रहते हैं, कोई भी फिलिंग टाइप का उद्योग हो और इसमें हम कर सकते हैं। फेविकॉल हुआ, जैसे कि पेंट हुआ, सारे जैसे कि चुनाव हुआ, सारे चीज हम कर सकते हैं। और टोमेटो सॉस का फार्मूला अलग रहता है, अचार का फार्मूला अलग रहता है, पेंट का फार्मूला अलग रहता है, चूने का फार्मूला अलग रहता है, यानी हर प्रोडक्ट का बनाने का फार्मूला अलग रहता है। जब आप ये मशीन खरीदेंगे और उद्योग शुरू करेंगे तो इसका जो भी फार्मूला है वो फार्मूला आपको और मशीन विक्रेता आपको दे देगा कि भाई ऐसे बनाना है और इसे ऐसे सेल करना है, बराबर ना? जो भी फार्मूला है हमारी कोरियर इंडस्ट्री कंपनी की तरफ से दिया जाएगा आप सभी को। अच्छा, फिर अचार का प्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसमें लागत कितनी आएगी और इसमें मुनाफा कितना मिल सकता है इसकी भी जानकारी लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से हमने अचार तैयार किया है और ये अचार बिल्कुल रेडी है। अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये फार्मूला हमारा अचार तैयार है। अब हमें इस मशीन के अंदर धीमे धीमे करके डाल रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मशीन के अंदर हमने अचार तैयार कर दिया पूरी दुनिया को। हम प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें से तो ये 1 kg का डिब्बा है और इसमें अचार भर रहे हैं। अभी हमने 1 kg तक की फिलिंग किया, अब हम आधा किलो फिलिंग करने के लिए हमें इसे माइनस की तरफ कम करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आधा किलो तक क्यों अचार निकलेगा। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमने 1 kg तक के डिब्बे को पैक किया, अब हम बारी है आधा किलो डिब्बे की। जैसे कि दोस्तों, हमने अचार का प्रोडक्शन कैसे होता है ये देख लिया है, अब देखेंगे कि इसमें मुनाफा कितना आएगा। मेरे हाथ में है 1 kg अचार का डिब्बा। तो मैडम ये बताइए कि 1 kg का जो भी अचार का डिब्बा है बनाने में कितना खर्चा आएगा? 100 रुपये। लगभग 100 रुपये इसका खर्च आएगा। अभी कितने में सेल हो रहा है? सर, इसमें 25 या 35 रुपये यानी एक डिब्बे के पीछे हम और लगभग 25 रुपये कमा सकते हैं। इस डिब्बे को आप किसी भी नज़दीकी मॉल में या किसी किराना दुकान में आसानी से ही सेल कर सकते हैं। एक डिब्बे के पीछे अगर हमें 25 रुपये मुनाफा हो रहा है तो इस मशीन से लगभग दिन के आप 100 डिब्बे का ही प्रोडक्शन करेंगे और 100 डिब्बे पर डे बेचेंगे तो लगभग 2500 का मुनाफा मिलेगा। जैसे कि आप गुलकंद का भी डिब्बा लीजिए, जो भी खाने के जो भी आइटम रहते हैं उसमें लगभग दोस्तों 25% से लेकर 30% तक का मुनाफा रहता है। यानी गुलकंद का लीजिए, अगर आप वो भी सेल कर रहे हैं वो भी आप आसानी से किसी भी किराना दुकान में आसानी से सेल कर सकते हैं। उसमें भी अगर एक डिब्बे के पीछे आपको 25 रुपये मुनाफा मिलेगा, उस टाइप की भी डिब्बे आप
100 दिन में बेचेंगे तो दिन के 2500 कमा सकते हैं। मान लीजिए आप 6 से 7 उद्योग घर से शुरू करते हैं और अलग अलग प्रकार के सारे डब्बे मिलाकर भी 100 डब्बे का सेल करते हैं तो दिन के आप 2500 रुपये कमा सकते हैं। अच्छा मैडम, तो इस मशीन के बारे में बताइए, ये जो मशीन दिख रही है इस मशीन की प्राइस कितनी? 16 लाख रुपये सर इसकी मशीन की प्राइस। यानी दोस्तों आप लगभग 16 लाख रुपए लगाकर यह उद्योग शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के लिए उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, यानी लगभग 16 लाख, और उससे अगर 10-15 हज़ार रॉ मटेरियल भी आप खरीदते हैं यानी लगभग 1.5 लाख के आसपास ये उद्योग आपका शुरू हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको भी यह बिज़नेस शुरू करना है, 5-6 उद्योग जैसे कि आप जैसे घर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये उद्योग शुरू करना है तो कोडियार इंडस्ट्रीज का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फैक्ट्री में आकर विजिट कर इस मशीन को देख सकते हैं, उनसे जो भी ये सारे उद्योग उनके फॉर्मुलेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपना उद्योग शुरू कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।